राष्ट्रपति भवन में आज मुख्यमंत्रियों की बैठक, सीएम शिवराज और रमन सिंह होंगे शामिल। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के आयोजन को लेकर की जाएगी चर्चा। भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक, पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी होंगे शामिल। मिशन 2018 को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिले दो नए इंचार्ज, राहुल गांधी ने हर्षवर्धन सपकाल और वर्षा गायकवाड़ को बनाया सचिव। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी नए पदाधिकारियों का किया ऐलान। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज जाएंगे उज्जैन, दोपहर के वक्त करेंगे महाकाल के दर्शन। कार्यकर्ताओं ने की है भव्य स्वागत की तैयारी। योगी सरकार आज से प्रदेश भर में किसान कल्याण कार्यशाला का कर रही है आयोजन। अन्नदाताओं की आमदनी को दोगुना करने का है लक्ष्य। हर विकास खंड में 7 प्रगतिशील किसानों का कार्यशालाओं में होगा सम्मान। लखनऊ में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। परिषदीय विद्यालयों में 68,500 पदों पर भर्ती। सीएम योगी ने 700 अभ्यर्थियों को बांटा नियुक्ति पत्र। अखिलेश यादव ने भर्ती में SC ST लिखने वाले मामले में की कड़ी निंदा। पूर्व सीएम ने किया ट्वीट, कहा मुद्दा बेहद संवेदनशील। धार में पुलिस भर्ती के दौरान लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मेडिकल के दौरान लिखी गई थी जातिगत पहचान। गृह मंत्री ने डॉक्टर पर कार्रवाई के भी दिए निर्देश। सागर में स्वराज संवाददाता मुकुल शुक्ला पर हमला। घटिया सड़क निर्माण का कवरेज करने पर ठेकेदार के गुर्गों ने जान से मारने की दी धमकी। शिकायत पर पुलिस ने एस्कॉन कंपनी के सुपरवाइजर को किया गिरफ्तार। और बुरहानपुर के कामेश्वर ऑयल मिल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के साथ स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका।